हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो उस वीडियो मतलब वीडियो बड़ी हो रही थी, तो यहाँ पर अब दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे भारत की स्थिति व विस्तार। क्या पढ़ रहे थे? भारत की स्थिति व विस्तार, तो इस टॉपिक के अंदर ही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारत का क्षेत्रफल मैंने उस वीडियो में आपको नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्रफल है ये आपको सेम मिलेगा, लेकिन आगे तो देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर की जगह और कुछ मिल जाए इकाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर विश्व के धरातल का कुल, विश्व के धरातल का कुल, धरातल का कुल कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है भारत, ठीक है। विश्व के धरातल का 2.4% है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? रूस आता है। क्या आता है? रूस। उसके बाद कनाडा, रूस कनाडा। उसके बाद चीन तीन नंबर पर, चार नंबर पर यूएसए, ठीक है, चार नंबर पर यूएस। और यहाँ पर पांच नंबर पर ब्राजील, छह नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सात नंबर पर हमारा देश आता है भारत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर से फिर से देखिए रूस, दो नंबर पर कनाडा, तीन नंबर पर चीन, चार नंबर पर यूएसए, और पांच नंबर पर ब्राजील, और छह नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सात नंबर पर है भारत। तो इस प्रकार से ये सात नंबर पर आता है क्या? हमारा भारत देश, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें स्थान पर आता है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सात देशों के नाम लिख दिए, ठीक है। छह ऊपर के देश कौन कौन से हैं? तो यूएस कनाडा चीन नहीं सॉरी रूस कनाडा चीन यूएस ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, ये देश हैं। अब जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हमारा देश दूसरे नंबर पर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर है। तो अभी देखिए ये दूसरे नंबर पर कब है? 2000 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 में जो गिनती हुई थी उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, 121.8 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब तो और भी बढ़ गई है जनसंख्या, एक नंबर पर भी आ गया होगा। अब देखिए इस साइड यहाँ पर हमने बात कर ली। अब देखिए यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी नहीं बताया, जो छोर थे वो बता दिए थे, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम के मध्य का समय का अंतर, मतलब यहाँ पर सूर्य निकलता है और यहाँ पर छिपता है, तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, समय का अंतर। पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का अंतर 2 घंटे का अंतर है। कितना है? 2 घंटे का अंतर है। अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर रह गया था पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का अंतर 2 घंटे का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ये है कर्क रेखा, ठीक है। तो हम बात करेंगे भारत का, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से मैप बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार से अंदाजे से। अब यहाँ पर ये जो कर्क रेखा गुजरती है बीच से, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं और सर्वाधिक कौन सा नहीं सॉरी देश नहीं राज्य हैं, भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर हैं, तो उनकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए कर्क रेखा पर सर्वाधिक कौन सा राज्य है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है, न्यूनतम, तो ये बात करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा पर गुजरात राज्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। अभी देखिए ये अंदाजे से बनाया गया मैप है और कर्क रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा यहाँ से आता है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजारी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रखा है राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक मध्य प्रदेश से ही गुजरती है, कौन से राज्य से? एमपी राज्य से, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट क्या लगा, किस लिए लगा रखा मैंने। तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पर झारखंड है कर्क रेखा पर, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है। सबसे कम कर्क रेखा कहाँ से, कौन से राज्य से गुजरती है? त्रिपुरा से,
त्रिपुरा से, उसके बाद यहाँ पर मिजोरम। तो इस प्रकार से कितने राज्य हो गए, एक दो तीन चार और छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच झारखंड, छह सात और आठ, इन राज्यों से गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी लिख दिया, छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी, ये किस लिए लिखा है, तो यहाँ पर हमने कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य की बात कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं मानक रेखा, तो यहाँ पर इस साइड इस प्रकार से मानक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इस पर मानक रेखा पर बाढ़ के कौन कौन से देश है, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, और यहाँ पर है मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, और यहाँ पर झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब देखिए कर्क रेखा और मानक रेखा को काटती है वहां पर कौन सा राज्य आता है, तो छत्तीसगढ़ आता है। तो मानक रेखा पर भी है छत्तीसगढ़ राज्य और कर्क रेखा पर भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे ओडिशा, ठीक है, ये झारखंड है, ये कर्क रेखा पर है, न कि मानक रेखा पर। छत्तीसगढ़ है, ये कॉमन है, यहाँ पर मानक रेखा पर भी है और कर्क रेखा पर भी है। उसके बाद यहाँ पर ओडिशा राज्य है, उसके नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है। तो इस प्रकार से मानक रेखा और कर्क रेखा पर मैंने आपको बता दिया, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है, रूस का, उसके बाद कनाडा का है, फिर चीन का है, यूएस का है, उसके बाद 5 नंबर ब्राजील है, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया है, 7 नंबर भारत है, ठीक है। और यहाँ पर पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का अंतर 2 घंटे का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मानक रेखा 82.5 डिग्री, इस रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मानक रेखा और कर्क रेखा पर ऐसा कौन सा राज्य है जो मानक रेखा पर भी है, कर्क रेखा पर है, तो ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु कर रखा है मैंने, इस साइड में छत्तीसगढ़ लिखा है, तो ये कर्क रेखा पर भी है और मानक रेखा पर भी है। विश्व के धरातल का कुल 2.4% है, ठीक है। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो और बना दी मैंने भारत का स्थिति वायु स्तर पर, और आगे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अभी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।